जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए 2 महीनों से लगातार प्रयास चल रहा है, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार 2 महीने से प्रयास चल रहा है, जिसका परिणाम सार्थक मिल रहा है। पहले शहर सोमवारी जाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था, अब वह नहीं के रूप में दिख रहा है। इसके अलावा ITMS के द्वारा लगातार लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसका लोग पालन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ लोग बाएं लेन को खाली नहीं रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों में सुधार आ रहा है। उम्मीद है कि अगले 2 महीनों में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, लोगों के घर फाइन पहुंचने लगेगा, लोग ट्रैफिक रूल का पालन करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाएं लेन को नहीं जानते हैं कि खाली रखना है या किधर किस तरह से जाना है, लेकिन अब लोगों में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें व बाएं लेन खाली रखें। इस संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने कहा कि सभी नागरिक वाहन चलाते समय सिग्नल पर बाया लेन को हमेशा खाली रखें, जिससे कि जाम ना लगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके पीछे एम्बुलेंस हो, पुलिस की गाड़ी हो, जिसको कहीं जल्दी पहुंचना हो। अगर कोई व्यक्ति बाया लेन खाली नहीं रखता है या एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता है, तो उसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह और ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, कृपया ध्यान दें, जो भी सच्चे मार्ग पर चलाएं, अगर आपको बाएं से बाएं जाना है तो बाएं ले पकड़ के बाएं चले जाएं, ये बाएं चले जाएं, बाया लेन को खाली अवश्य करें, बाया लेन को खाली अवश्य करें। चौक वाले रोड पे आ रहे हैं, ये लेफ्ट लेन को ब्लॉक करके खड़ा है, खड़े हैं। देखिए, बाई लेन का सभी को प्रयोग करना चाहेंगे, क्योंकि बाई लेन हमेशा खुला रखेंगे, आपके पीछे वाले को बाएं जाना है, पीछे एम्बुलेंस भी हो सकती है, फायर की गाड़ी भी हो सकती है, पुलिस की गाड़ी भी हो सकती है, तो लेफ्ट लेन इमरजेंसी वालों के लिए खाली रखना चाहेंगे। और वैसे तो इमरजेंसी व्हीकल जहाँ भी जाना चाहे, हर तरफ नागरिकों को रास्ता देना चाहिए। इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देने पर जुर्माना भी लंबा है, 10,000 रुपये जुर्माना है। मेरा आप लोगों के माध्यम से, समस्त मीडिया बंधुओं के माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से ये अनुरोध है गोरखपुर की जनता से कि सब लोग लेफ्ट लेन को खाली रखें, ताकि हम लोग एक बेहतर व्यवस्था यहाँ पर गोरखपुर को दे सकें। देखिए, शहर में ट्रैफिक के सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, खास करके पिछले 2 महीनों में बहुत प्रयास हुए हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक नियंत्रण एक सही दिशा में जा रहा है। जो जामें पहले लगा करती थी, सोमवारी जाम के नाम से फेमस होता था गोरखपुर, अब वो नहीं के रूप में दिख रहा है। साथ ही साथ जो ITMS के प्रयोग से जो हमारे कैमरास लगे हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हैं, उसमें भी जनता में जागृति आई है और लोग में डिसिप्लिन बेटर हुआ है पहले से। परंतु एक सतत प्रक्रिया है, अभी भी कुछ है, जैसे लेफ्ट टर्न में नहीं रुकना, या कुछ लोग अभी भी वायलेशन कर रहे हैं। तो एक शुरुआती पहल है, मेरे ख्याल से पहले 2-3 महीने ही चल रहे हैं इसके। आने वाले समय पे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, जैसे जैसे फाइन्स लोगों के घर पहुंचने लगेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है
कि इस विषय में जागरूकता बढ़ने के बाद लोग स्वयं ही ट्रैफिक रूल्स को अबाइड करेंगे और हमारे शहर में भी एक आइडियल शहर के रूप में धीरे धीरे निकलने लगेगा, जहां लोग एक डिसिप्लिन रूप में सड़कों का यूज़ करेंगे और ट्रैफिक हमारा काफ़ी बेहतर हो सकेगा। सर, बाई लेन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लेन्स हैं या बाई लेन्स हैं, उनका प्रयोग अभी हम उस लेवल पे नहीं आया शहर कि लोग जाने कि लेन ड्राइविंग क्या होती है, बाई लेन्स किस लिए प्रयोग होता है, कहाँ से आना है, किधर जाना है। एक शहर मैं ये कहूँगा कि एक सही दिशा में जा रहा है ट्रैफिक में, जो पहले मैं देखा था 6 महीने स्थिति थी, आज उसमें काफ़ी सुधार आया है। हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है, आपके माध्यम से भी एजुकेट करने के लिए ज़रूरत है कि लेन्स और बाईलेंस का प्रयोग जिन जिन कारणों या जिन विषयों जिस चीज़ों के लिए होता है उसी के लिए करा करें। जितना भी आप वायलेशन करेंगे, हर चीज़ के लिए हमारे कैमराज लग गए हैं और यही कारण है कि हम लोग अन्य कैमराज भी लगाने पर जोर दे रहे हैं। ये वायलेशन में आप पकड़े जाएंगे और फिर हमारे पास डिजिटल एविडेंस होगा जिसको आप नकार नहीं पाएंगे। जनता से मेरा अनुरोध है कि इस विषय में एक अच्छे नागरिक होने का अपना दायित्व निर्वहन करें और हमारे ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट में मदद करें।